एसटीएफ लुधियाना रेंज ने गुप्त सूचना के आधार पर ताजपुर रोड स्थित पानी वाली टैंकी के नेड़ों एक व्यक्ति को 212 ग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे मामले में चंडीगढ़ रोड से सब्जी मंडी नेड़े विशेष नाकेबंदी दौरान 190 ग्राम स्मैक समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई हैरोइन और स्मैक की कौमांतरी बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए के करीब दसी जा रही है। इस संबंधी एसटीएफ लुधियाना रेंज के प्रभारी हरवंत सिंह ने दसिया कि गिरफ्तार व्यक्ति पिछले लंबे समय तो नशा तस्करी के गैर कानूनी कारोबार में शामिल सन, जिन्हों तो होर पूछगिछ की जा रही है। कल एसटीएफ लुधियाना की टीम ने दो वख-वख मुकदमे मुकदमा नंबर 3 और 4 एसटीएफ 4 मोहाली दर्ज करवाए, जो पुलिस ने मुखबरी के आधार पर पहले मुकदमे के एक आरोपी अजय कुमार जो संजय गांधी कलोनी ताजपुर रोड लुधियाने का रहने वाला उसके पासों 212 ग्राम हैरोइन बरामद की है, दूसरा मुकदमा नंबर 4 जो एक आरोपी हरमेल सिंह उर्फ लाडी जो कि कोट गंगू राय थाना कोम कला का रहने वाला ये पासों 190 ग्राम समैक बरामद की सी। इन्हों दोवें आरोपियों अज मानयोग अदालत के असी पेश किया, इन्हों का पुलिस रिमांड हासिल किया। पुलिस रिमांड हासिल करके असी ये पता लगा रहे हैं भी ये कितों लैके आए थी अते अगे लुधियाने दे विच किहड़े किहड़े अपने गाहकां नूं इन्हां ने हैरोइन ते स्मैक बेचनी सी। ये करीब इन्हां ने मुढ़ली पुछगिछ ते दस्सिया भी करीब साल दो साल तो कम कर रहे थे। पहला वो भी अजे असी रिकॉर्ड पड़ताल तो पता करावांगे भी इन्हां दे बरखिलाफ पहला किन्ने मुकदमे होर दर्ज ने।